अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की रेसिपी में मैं आपके लिए एक नई रेसिपी बटर चिकन की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल का बटर चिकन मैं घर में बनाऊँगी। रेसिपी को आप पूरा देखिएगा और ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है रेस्टोरेंट स्टाइल का बटर चिकन। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी चिकन ब्रेस्ट लिया है। आप पूरे चिकन से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून में उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, साथ ही मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था पहले। 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, साथ ही 2 टेबल स्पून लेमन जूस मैं ऐड करूँगी। इसको हम 2 स्टेप में बनाएंगे, ये हम इसका पहला स्टेप कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून मैं इसमें योगर्ट ऐड करूँगी, ग्रीक स्टाइल का मैंने योगर्ट यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर लें। फुल फैट योगर्ट है ग्रीक स्टाइल का। 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड पेपर यूज़ करूँगी, सुर्ख मिर्चों का पाउडर, साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको सिर्फ 1 घंटा ही मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। तमाम मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1 घंटे के लिए मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर हम इसको पका लेंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब यहाँ पर हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी, आप कोई से भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल इसमें मैंने हल्का सा ही ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं ऐड करना क्योंकि हमने चिकन में भी बटर ऐड किया था मसाले में। हम बोटियों को एक एक डाल के हम इसमें अच्छी तरह से फैला लेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम ऐड करते हैं। हम इस चिकन को मीडियम आंच पर हम इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे। डीप फ्राई हम इसको नहीं कर रहे, शेलो फ्राई करके हम इसको पका लेंगे। सारी बोटियां मैंने बिल्कुल फासले फासले पर रख कर इसको पका लूँगी। आप इसको ग्रिल पैन में भी बना सकती हैं और एक और तरीका, आप इसको ओवन में भी रख के बेक कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह ही टेस्ट आएगा, जिस तरह आपको इजी लगे। मैं यहाँ पर इसको पैन में शेलो फ्राई कर लूँगी। आपने इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, दरमियानी आंच पर हमने इसको इसी तरह पका लेना है। कवर करेंगे तो चिकन बहुत सारा पानी छोड़ने लगता है, तो उससे मसाला भी फिर उतर जाता है। हमने कवर बिल्कुल नहीं करना और इसको बग़ैर कवर किए हम दोनों साइडों से पका लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट हम इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। बोटियों के हिसाब से आप देख लें, अगर बोटियाँ बड़ी हों तो आपको ज़्यादा टाइम पकाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट के छोटे छोटे पीस कर लिए थे तो ये ज़रा जल्दी बन जाएंगे। मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पका लूँगी दोनों साइडों से अच्छी तरह से, मैं इसको गोल्डन कर लूँगी। हम देख लें कितना खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है। अच्छी तरह से मैं इनको दोनों साइडों से पका लूँगी। बोटियों को पका कर हम फिर इसको एक साइड पर रख लेंगे और उसके बाद हम इसका ग्रेवी तैयार कर लेंगे बटर चिकन की। इनको हम अच्छी तरह से रोल करते हुए दोनों साइडों से पका लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप बनाने के लिए हम अब इसकी बटर चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बटर लिया है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटर यूज़ किया है। 100 ग्राम बटर को मैं मेल्ट कर लूँगी पहले। आंच यहाँ पर हमने दरमियानी रखनी है क्योंकि ये बटर जल्दी से, इसमें थोड़ी लस्सी मिली हुई होती है तो ये जल्दी से ब्लैक होने लगता है। हल्की आंच पर ये इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी।
काली मिर्च मोटी वाली जो होती है, एक सेमन स्टिक, बे लीफ और 5 पीस लौंग के मैंने लिए हैं। साथ ही मैं इसमें बड़े साइज़ का प्याज ऐड करूँगी। अब मैं इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हमने इनको बिल्कुल मुकम्मल फ्राई नहीं करना, बहुत लाइट सा हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मैं पका लेती हूँ। इसको हम चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 मिनट के बाद 3 टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे, लार्ज साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे। टमाटर इसमें ज़्यादा डलते हैं। ड्राई मसालों में यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच छोटी, धनिया पाउडर और साथ में मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। इनको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। नमक और मिर्चें जो थी मैंने चिकन के साथ लगा दी थी, वो इसलिए मैंने यहाँ पर मसाले में ऐड नहीं की। अगर आपने ज़्यादा मसाला रखना है तेज़ तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन के साथ ही ऐड कर दी थी। हम इस मसाले को अच्छी तरह से टमाटर गलने तक पका लेंगे। टमाटर यहाँ पर हमारे घर के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इस मसाले को ग्राइंडर में डालकर हम इसको पीस लेंगे। तमाम मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे, पतली से हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। तमाम मसालों को हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेते हैं। 1 गिलास पानी मैं साथ इसमें ऐड करूंगी और तमाम मसालों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूंगी। दोबारा उसी पैन में मैं वो तमाम मसाला जो मैंने प्यूरी बनाई थी उसकी स्टेनर की मदद से वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और जो इसमें बाकी पीस रह गए हैं वो मैं इसमें स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेनर की मदद से आप इसमें जो प्यूरी बनाई है आपने वो ऐड कर लें। बिल्कुल इसका बटर चिकन का एक क्रीमी सी प्यूरी होती है, क्रीमी सा इसका मिक्सचर तैयार होता है। तो हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से ऐड करना है ताकि इसमें जो बिट रह गए हैं हम उसको अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब हम इसको एक बॉयल आने देते हैं। इसमें बबल्स जब बनने लगे हैं तो बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने पहले से ग्रिल कर लिया था, शैलो फ्राई हमने इसको कर लिया था, हम ऐड करेंगे। तमाम चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा सा हमारा चिकन ये फ्राई हुआ है, बहुत प्यारा इस पे कलर आया हुआ है, हल्का हल्का सामने यहाँ पर इसको कलर देना है। तो हमने इसमें अब ये चिकन ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसको हल्की आंच पर 5 मिनट पका लेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और कवर करके हम इसको 5 मिनट पका लेंगे। कवर करते हैं और पका लेते हैं। फाइव मिनट इसको हो गए हैं। अब इसमें अच्छी तरह से बबल्स बनने लगे हैं, मसाला इसका अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, बिल्कुल ड्राई होने लगा है मसाला। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप डबल क्रीम, बाज़ार वाली मैंने यूज़ की है डबल क्रीम, आप घर में अगर फ्रेश क्रीम हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। डबल क्रीम 1 कप मैंने इसमें ऐड की है। उसके साथ इसको मैं अब मिक्स करूँगी और इसको दोबारा से मैं कवर करके 5 मिनट और पका लूँगी। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स
मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह से। और फिर इसको मैंने 5 मिनट और पका लिया है, आप देख लें अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है, बहुत गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी बन चुकी है। इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं कवर करके, जब इसमें ऑयल ये अपना छोड़ दे, इसमें बबल्स आने लगे और थोड़ी और ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये अब तैयार हो चुकी है, इस तरह का इसमें क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है साथ ही। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको 2-3 मिनट और पका लेते हैं। अब देखिए ये ज़रा और गाढ़ी हो चुकी है, ये तकरीबन हमारी तैयार है। इतना गाढ़ा हमने इसको देना है टेक्सचर। अच्छी तरह से अब ये तैयार हो चुका है हमारा बटर चिकन। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट मैंने इसको कर लिया है, हम इसको नान के साथ या बॉयल चावल के साथ मैं इसको पेश करूंगी खाने के लिए, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ऊपर मैंने यहाँ पर इसको लेमन और क्रीम के साथ गार्निश किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।